कुकड़ेश्वर में शासन के निर्देश अनुसार निकाय में वर्तमान में 1 अगस्त से 15 अगस्त तक एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के चौथे दिन को नगर के 4 मेडिकल स्टोर कुकड़ेश्वर द्वारा नगर में वितरण करने हेतु 1000 मास्क प्रदान किए गए हैं। इस अवसर पर उक्त मेडिकल संचालकों एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी KL सूर्यवंशी द्वारा नगर में आमजन एवं दुकानदारों को मास्क वितरण किए गए हैं तथा मास्क के उपयोग एवं इससे कोरोना महामारी से बचाव के बारे में जागरूकता भी किया गया है। साथ ही नगर में दुकानदारों द्वारा मास्क नहीं पहनने वालों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई भी की गई है। साथ ही नगर के नागरिक समाज सेवी संस्था से भी अपील है कि जो भी कोई मास्क का वितरण करना चाहते हैं या देना चाहते हैं वह नगर परिषद को उपलब्ध करवा सकते हैं तथा जरूरतमंद व्यक्ति नगर परिषद से मास्क प्राप्त कर सकते हैं। एक मास्क अनेक जिंदगी को लेकर के 1 अगस्त से हमने इस कार्य की शुरुआत करवा दी, कार्यालय से शुरुआत करी थी। एक मास्क अनेक जिंदगी का तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को मास्क धारण करना अनिवार्य है। कोरोना महामारी से बचाव का एकमात्र उपाय और मास्क धारण करना ही है। इसी तारण कड़ी में आज बस स्टैंड पे जो हमारे 4 मेडिकल स्टोर जो है, प्रमोद मेडिकल स्टोर, हनी मेडिकल स्टोर, शर्मा मेडिकल स्टोर और पंकज मेडिकल स्टोर द्वारा हमको 1000 मास्क दान स्वरूप भेंट किए हैं। इन मास्क को हम गरीब बस्तियों में और आवश्यकता अनुसार व्यक्तियों को मास्क धारण करके और उनको मास्क का उपयोग समझाएंगे, संक्रमण से कैसे बचा जा सके। इसी कड़ी में मास्क वितरण का निरंतर कार्यक्रम ये 15 अगस्त तक चलता रहेगा। जो व्यक्ति मास्क अगर नहीं धारण करके आता तो हम उनको मास्क वितरण करेंगे और अगर हो सकता है तो हम उनसे पेनल्टी भी वसूल करेंगे। ऐसा शासन का भी सख्त नियम है। इस कोरोना महामारी के बचाव के लिए पूरी तरह से दो ही चीज़ें आवश्यक है, मास्क धारण करना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। यानी कि आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हो तो 2 गज की दूरी पे खड़े रह के मास्क धारण करके ही बात करें। कारण कि अगर कोई व्यक्ति कहीं से भी संक्रमित हो के आ रहा है और आपको भी पता नहीं है कि ये व्यक्ति संक्रमित है और बगैर मास्क से अगर बात करें तो अपन जो बात करते हैं और अपने मुँह से जो हवा निकलती उससे लगभग 3000-4000 कण निकलते हैं। वो कण डायरेक्ट अपने नासिका और मुंह के द्वार से गले में जाके और अटक जाते हैं और वहीं से इस बीमारी का प्रभाव होता है। इसलिए मास्क धारण करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद भी अगर आप किसी को सर्दी जुकाम हो रहा है और उसके पास में जाके खड़े हो गए और उसने छींक दिया तो उससे भी 4500 के लगभग कण उत्पन्न होते हैं। वो भी नासिका और मुंह के द्वारा आपके शरीर में प्रवेश करते हैं और अंदर जाके और मतलब ये प्रभाव करते हैं। इसीलिए इस गाइडलाइन में यह बताया गया है कि गर्म पानी पिए और नींबू पानी गर्म पिए, उसके बाद में आप इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन सी और ऐसी गोलियों का भी उपयोग कर सकते हैं। कोरोना महामारी आज की तारीख में मनासा रामपुरा दोनों जगह हो चुकी है, कुकड़ेश्वर सेंटर में है। कुकड़ेश्वर मनासा से भी आते हैं, रामपुरा से भी आते हैं। कौन कब संक्रमित हो जाए कोई कह नहीं सकते। इसीलिए मैं नगर की जनता से और नगर की आसपास की जनता से जो कुकड़ेश्वर नगर में प्रवेश करती सभी से करबद्ध अपील करता हूँ कि नगर में प्रवेश करते समय अपने मुंह पर मास्क का धारण जरूर करें और किसी से बात करते समय 2 गज की भी दूरी बना के बात करें ताकि इस बीमारी से आप बचे रहे, आपका परिवार बचा रहे, नगर सुरक्षित रहे, आपका राष्ट्र सुरक्षित रहे, राज्य सुरक्षित रहे। यही मेरी अपील है। जय हिंद। स्वस्थ भारत मिशन के अंतर्गत हमारा शहर निरंतर अच्छे कार्य करता आया है। जैसा कि वर्तमान में अभी कोविड का जो महामारी के रूप में फैल रही है और एक शासन ने एक इसके तहत एक अभियान भी चलाया है और उसके तहत आज नगर केमिस्ट एसोसिएशन द्वारा निशुल्क मास्क वितरण का एक कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया, आयोजित किया गया, जो सफल रहा।
एक मास्क अनेक जिंदगी बचाती है। इसके तहत मैं अपील करता हूं कि प्रत्येक नागरिक अपनी स्वयं की जवाबदारी समझते हुए मास्क का उपयोग करें। मास्क उपयोग के पश्चात या तो इसको आप जमीन में गाड़ दें या इसको आप जला दें, जानवरों तक ये नहीं जावे वरना महामारी और फैल सकती है। डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का आप पालन करें, सैनिटाइजिंग अपने आप को करते रहें और नगर पंचायत के तत्वावधान में यहाँ के कई संगठन समूहों द्वारा कई तरह के रचनात्मक कार्य आदि अनादि कालों से निरंतर मतलब चलते हुए आ रहे हैं। आगे भी मैं आशा करता हूँ इसी तरह के कार्यक्रम यहाँ होते रहें। जय हिंद। कुकड़ेश्वर से दशरथ नाग की रिपोर्ट।